इस देश के अंदर राम से बड़े डॉक्टर, धर्म के हिसाब से और धर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। नहीं, धर्म में आप शोषण करेंगे। ओबीसी समाज से नहीं आते हैं मैडम, वो ओबीसी समाज के नाम पर धब्बा है वो आदमी। आज हम राम मंदिर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुजन एक्टिविस्ट जिनका नाम है गौतम रत्ना जी, उनको बुलाया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, एक एक्टिविस्ट है जो है जनरल कैटेगरी के मनीष कुमार। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, गौतम जी और मनीष जी। जो जल्द ही हमारे जो बुद्ध भी उसी टाइम के थे, वो भी तपस्या करने गए थे सर, उन्होंने क्या साबित किया? भगवान नाम तपस्या नाम की चीज से कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी है देश के प्रधानमंत्री जी, वो अयोध्या के राम मंदिर का जल्द ही उद्घाटन करने वाले, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब अखिलेश जब हार गए तो उसी सीएम हाउस को योगी तब वहां पर रहने गया जब उसको गंगा जल से गाय मूत्र से शुद्धिकरण किया गया। गाय मूत्र से कौन सा शुद्धिकरण होता है? ये आपका धर्म है। इस जिस तरह से मैडम काव्या जी ने अभी आपको एग्जांपल दिया राष्ट्रपति मुर्मू का, क्योंकि वो आदिवासी आती है, आदिवासी समाज से एसटी समाज से आती है, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया, जिसमें चली भी गई तो उसको धोया गया। कोविंद जी भी गए, कोविंद जी के साथ भी यही हुआ। और इससे पहले माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री यूपी, जब उनकी सरकार हार गई तो जब उसमें वो रहने के लिए योगी मुख्यमंत्री गया, उससे पहले उसको गाय मूत्र से धोया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। क्या आपके गंगा जल और गाय मूत्र में इतनी अगर दवाइयां हैं शुद्धिकरण की, तो अस्पताल क्यों खोलते हो? उसी से इलाज करा लीजिए। सर, आप आस्था पर सवाल या निशान उठा रहे हैं, लेकिन आप नास्तिक हैं, उसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। देखिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरे को बोलने दीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू का कहीं बहिष्कार किया या दुलाई करी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस धर्म पर सवाल उठाए, देखिए हमारे अंदर जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, उसमें चार चीजें बांटी गई है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। हाँ, शूद्रों को हमने हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने थोड़ा दूर रखा है, क्योंकि उनकी ये आस्था थी, आस्था है, देखिए सबकी एक अपनी अपनी आस्था है, आस्था थी कि शूद्रों से चीजें अपवित्र होती है और गौमूत्र से शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण तो वैसे भी सिर्फ आपने जैसे बोला कि मुला ये अखिलेश यादव के टाइम पर गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया, तो वो नॉर्मल बात है, शुद्धिकरण किया जातिवादी उत्पीड़न होता है, इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, ये आस्था नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, जैसे हिंदू धर्म में हवन होते हैं, शुद्धिकरण होता है, हवन होते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो सिख धर्म है उसमें पाठ होता है जी, जीसस में भी ऐसे ही कुछ होता है, बाइबल का पाठ होता है, और वो मुस्लिम में जो है वहां भी कुरान से कुछ आयतें ली जाती हैं और सब किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में ये चीजें जो हमारे को सर, हम मान लिया कि आपका आस्था है, आप वहां पर वो कैंडल जलाते हैं, वो पाठ करते हैं, और बुद्धिज्म में अपना वो पंचशील को लोगों को सुनाते हैं, कैंडल जलाते हैं, ये आस्था है। लेकिन वहां पर ये नहीं होता है कि वहां पर एससी एसटी ओबीसी देख करके उनका घर नहीं धुलवाया जाता है, वो मंदिर नहीं धुलवाया जाते हैं? क्या आपकी आस्था एक विशेष वर्ग को आप ही के अपने धर्म में गुलाम बनाती है? चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब एससीओ का इतना अपमान होता है मंदिरों में, तो फिर क्यों जाते हैं? उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको उससे निकालने के लिए। एससीओ को रोको, बिल्कुल आएगा, एक टाइम आएगा, अभी हम उसी पे काम कर रहे हैं। आप सिर्फ कुछ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देने का, मनुवादियों को, हमें हम लोगों को गालियां देने का काम कर रहे हैं। ये गाली नहीं है सर, ये आपको आपके समाज को, आपके ब्राह्मणवादी मनुवादियों को, आप बताइए, जो जितना आस्था से उस अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए, जितना आपको भी सुधरना चाहिए, आप में बदलाव आना चाहिए, जितना आपका बहुजन मीडिया है हमारे खिलाफ दिखाने के अलावा क्या करता है? नहीं, हम खिलाफ अभी तो आपका सारा परसेप्शन ही अंधविश्वास पे टिका, तो हम तो उसके खिलाफ। देखिए, आप आस्था में विश्वास नहीं रखते, धर्म ग्रंथों पे विश्वास नहीं रखते, वो आपका अपना होती। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं, आस्था में विश्वास करता हूं मैं, तो हमारे हिसाब से देखिए, तो मैं आपको नास्तिक कहेंगे। नास्तिक मनीष जी, मेरा एक सवाल है आपसे,
अभी आपने अखिलेश यादव जी की बात की कि उनके घर को गौमूत्र से धुलाया गया, वहीं एक यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही थी कि खुद योगी जी जाकर गाय के नीचे बैठकर उस मूत्र को, मतलब उससे क्या वो पवित्र हो रहे। देखिए गौमूत्र जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र अमृत के समान है, यानी कि एक ढंग से कहा जाए तो जैसे गंगा जल है हमारे इधर, ऐसी गौमूत्र है, उसका लोग पीते भी हैं। सर ये सिवाय अपने स्वास्थ्य के अलावा कुछ नहीं है, वही आपने इसीलिए आज भारत दूसरे कंट्री के मुकाबले देखे। हमारे हमारे हिंदू धर्म में ये आस्था का सवाल है और आस्था से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते और आस्था पर इतने उल्टे टिप्पणियां। सर मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही, आज भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर और कहें कि चाइना के अंदर, कौन से 33 करोड़ देवी देवता हैं जो आज भारत से आगे हैं सारे देश? देखिए एक एक जमाना था, एक त्रेता युग था, सतयुग था, उस जमाने में देखिए हमारा जो भारत देश है, जो भारत है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, वो किस तरीके से था, कितना एडवांस था। देखिए उस जमाने में तीर छोड़ती है आग जल जाया करती थी वर्ष। आप जापान की बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अब परमाणु न्यूक्लियर ये ऐसी चीजें आ गई हैं, ठीक है साइंस में थोड़ी तरक्की कर ली है। आपको बता दूं कि जो आप जापान की, अमेरिका की, चीन की बात कर रहे हैं, तो ये आज के युग में आपको लगता है कि हो सकता है कि आप इन्हें आगे मानते हैं, लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे इतिहास में लौटेंगे तो पहले सतयुग था, त्रेता युग था, सतयुग था, द्वापर युग था। देखिए काव्या जी मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जापान और अमेरिका जैसे देशों की आज बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान बहुत बहुत पहले, अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत आगे हुआ करता था। तो आज ऐसा क्या हुआ? पहले मेरे को बोलने दीजिए। देखिए उस वक्त में त्रेता युग हुआ करता था, द्वापर युग हुआ करता था। सोचिए आपका जो 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 रावण था जिसका वध किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, वो उस टाइम पर सोचिए वाहन पर घूमता था, पुष्पक विमान विमान हुआ था। सर ये पुष्पक विमान, सर ये सब चीजें काल्पनिक है, हम आपसे पूछ रहे हैं आज आपके आने में आप आपके सारे आप कैसे कैसे जाकर कहां गए, आप हर चीज को आज कहां गए, आपके उस जमाने आपके धनुष कहां गए, वो आज आपके ये पुष्पक विमान कहां चले गए आज, और आज आप फिर परमाणु बम आप क्यों बना रहे हैं, आप राइफल गोला और ये क्यों बना रहे हैं? देखिए आप लड़ाकू बता दूं, मैं आप लड़ाकू सोवियत से रशिया से विमान खरीद रहे हैं, आप पुष्पक विमान से लड़ लीजिए, धनुष से लड़ लीजिए। ऐसा है वो आज की सरकारें खरीद रही है, लेकिन अगर हमारे पुराने अध्यात्म में जाएं और अगर हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में जाएं तो वहां पर सब चीज की तोड़ है, सब चीज है। जब वहां धनुषों से लड़ाइयां हुआ करती, जब शस्त्र हुआ करते थे तब शस्त्र से ही वर्षा हो जाया करती थी, अग्नि बरसती थी। भले ही आप इन बातों पर मेरी विश्वास ना करें, आप धर्म शास्त्रों को उठाकर पढ़ें सर, मेरे उसमें सत्यता आपको मिलेगी और कई ऐसी चीजें भी मिलेगी, कई ऐसे फार्मूले भी मिलेंगे जो प्रमाणित करते कि ऐसा हुआ करता था। अब पहले मेरी बात खत्म हो रही है, अब ना तो आप लोग उस चीज पर आस्था रखते हैं। एक बात बताइए, जो हमारे ऋषि मुनि हैं जो हिमालय पर 10-10, 20-30 साल तक तपस्या करते हैं, बारिश धूप बारिश आंधी तूफान या तो कि बर्फ, तो सर बुद्ध भी उसी टाइम के थे, वो भी तपस्या करने गए थे सर, उन्होंने क्या साबित किया, उन्होंने यही साबित किया कि भगवान नाम की चीज और तपस्या नाम की चीज से कुछ नहीं हो सकता। वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, एक मिनट अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे जितने ग्रंथ है, हमारे कई हजार, बुद्ध से भी कई काफी पीछे जाएंगे तो उससे भी कई हजार साल पुराने, और आपसे भी मेरा सवाल है सर, बुद्ध उस टाइम थे वो कौन सा संत था, क्या था उस टाइम का, आपको कुछ पता है? और राम जी कब पैदा हुए थे कुछ आपको पता है? नहीं देखिए जहां तक बुद्ध की बात करें तो ये लगभग आज से लगभग 2500 साल पहले की, 2500 साल पहले की बात है, और उनके उनके तत्व भी मिलते हैं प्रैक्टिकली पूरे विदेशों में भी मिलते हैं। कुछ क्योंकि इन्होंने अपना धर्म बताया कि हमारा 2500 साल पुराना धर्म है, लेकिन आपका धर्म कौन सा है, किस टाइम का धर्म है, कुछ पता है? आपको बता दूं 2500 साल पहले बुद्ध यहाँ पर थे,
उसके आप कहते हैं प्रमाण मिलते हैं जी, लेकिन जो हमारे द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, वो उससे कई हजार साल पहले था। तो सोचिए कि वो जो हमारा जो इतिहास था कहीं ना कहीं दफन हो गया है। आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत से आप मेरे को बोलने दीजिए। देखिए आज भी अगर आप जाएंगे बाहर, पूरे भारत में घूम लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, आपको सबसे ज्यादा मठ मंदिर बुद्ध के पाए हिंदुओं के मिलेंगे, जहां आपको देवी देवताओं के और शिवलिंग मिलेंगे। एक्चुअली क्या है, ये इनका अंधविश्वास इतना जकड़ चुका है। देखिए आप नास्तिक हैं, आप यही बात कहेंगे, वो आस्था के नाम पे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, यही इनका एक ढकोसला है, इसी पर देश को ये ले जाते जा रहे हैं, जिसमें देश का बहुत बड़ा नुकसान है और एक जातिवादी मानसिकता यहाँ बहुत बुरी तरीके से और कट्टर धार्मिकता यहाँ पर देखिए कब्जा करते जा रही है इस देश के। चलिए आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, क्योंकि यहाँ पर तो बहस चलती रही है और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस बात को आज हम यही खत्म करते हैं और राम मंदिर का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।